आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले इंटरसेट फॉर्म हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी लाइन दिया हुआ है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये इंटरसेट फॉर्म के द्वारा हम लोग करेंगे। तो इंटरसेट फॉर्म 11th में पढ़ना था, स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे देखिए, जैसे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन, ये इंटरसेट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, इज इक्वल टू वन। इसका हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो एक्स वाई प्लेन हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट मेरा क्या है, बी है। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का ग्राफ। जैसे मान लेते हैं कुछ और ऐसे दे देता, तो एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन देता। तो इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक्स इज इक्वल एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए है, वाई इंटरसेप्ट क्या है मेरा, बी है। तो इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। ये आपका एक्स अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन, ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म ही है, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, इसको जैसे डिवाइड में लाएंगे तो 3x/12 होगा, 6y/12 होगा, इज इक्वल टू वन। इधर हमको वन लान देना है, ठीक है। तो ये 3 चौके 12, 6 दूना के 12, ठीक है। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा 4 होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा, 2 होगा। तो इसको हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से मेरा ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। मेन इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है, मान लेते हैं इसमें 2x+4y > 16 आने लगे, ठीक है। तो ये आएगा तो हम कैसे इसको बनाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं मेन यही है, इसमें हम लोग को 12 में यही पढ़ना है, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू पूछेगा, तो इसको पहले इंटरसेट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इंटरसेट फॉर्म में चेंज करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 16 डिवाइड होगा तो 8 दुना के 16, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 8 होगा। और 4y, एक्स अपॉन क्या होगा, 8 होगा। और वाई अपॉन क्या होगा मेरा, 4 चौके 16 कटेगा, 4 आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या हो गया, 8 हो गया, और वाई इंटरसेप्ट मेरा क्या होगा, 4 होगा। तो इसको हम लोग दोनों पॉइंट को लेकर के हम यहाँ पे मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब मेन क्या है इसमें, ग्रेटर इक्वल टू 16, इसका फंडा क्या है, तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, अगर इसमें ओरिजिन रखेंगे, ठीक है, इसमें ओरिजिन रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 0 > 16। तो क्या ये इनइक्वालिटी सही है या गलत है, तो ये इनइक्वालिटी क्या है, 100% गलत हो गया, क्योंकि कभी भी 0 बड़ा नहीं होता है 16 से। हम लोग ओरिजिन को रखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करता ओरिजिन को, जैसे ये क्या है, ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये 0 कभी भी 16 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, ना इक्वल हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये इनइक्वालिटी क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, इक्वल है, इक्वल में जब भी होगा तो इस लाइन को टच करते हुए इसको हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से होगा इसका। जैसे एक और एग्जाम्पल है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का भी वैल्यू 4 है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो x/4 y/4 है, ठीक है। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 4 है, वाई इंटरसेप्ट भी मेरा क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे, ओरिजिन जैसे रखेंगे तो 0 < 1 होगा, क्या ये इनइक्वालिटी सही है, हाँ एकदम 100% सही है, क्योंकि 1 हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है 0 से। तो ये ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक है, ओरिजिन की ओर इसका ग्राफ शेडेड होगा, ठीक है, इसको इस लाइन को टच करते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो ये मेरा इस तरह से होगा। तो अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरा दिया हुआ रहेगा 6x+12y > मान लेते हैं हम 24, ठीक है। तो इसको इंटू 1 करेंगे, पहले इंटरसेट फॉर्म में चेंज करेंगे,
24 जैसे डिवाइड होगा 6 चौके 24, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या दिया है 4 दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट क्या दिया है मेरा 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों पॉइंट को लेकर हम मिला देंगे, तो इस तरह से मेरा लाइन ड्रॉ होगा। तो अगर हम इसमें अब ओरिजिन रख के चेक करना है, इसमें ओरिजिन जैसे रखेंगे 0,0 रखेंगे तो ये टोटल इस ये पार्ट 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर इक्वल टू 24 हो जाएगा। क्या 0 कभी बड़ा होता है 24 से? नहीं, ये एकदम गलत है। तो ये 100% ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है, दूर भागेगा। अब इस लाइन को ये टच करते हुए जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इस लाइन को टच करते हुए जाएगा इस तरह से। अगर हम कोई और ग्राफ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 6 हो, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होगा एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होगा, पहले एक्स इंटरसेप्ट 6, वाई इंटरसेप्ट भी 6 होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स 6 है, वाई भी 6 है, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ होगा। अब इसमें ओरिजिन रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 6 आएगा। तो 0 ग्रेटर देन 6 क्या सही है गलत? नहीं, एकदम ये इनइक्वालिटी गलत है, कभी भी 0 बड़ा नहीं होता है 6 से। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ओरिजिन से दूर जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको टच नहीं करेगा इस लाइन को, ये ध्यान में हम लोग को रखना है। ठीक है, अगर इक्वल रहेगा तभी मेरा टच करके जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू मान लेते हैं 4। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट 4 होगा, वाई इंटरसेप्ट भी 4 होगा, ग्रेटर इक्वल टू 1। अगर इसमें ओरिजिन रखेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो क्या ये इनइक्वालिटी सही है? नहीं, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि 0 कभी भी बड़ा नहीं होता है 4 से। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, x4 y4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा मेरा x4 y4। तो अगर ये तो ओरिजिन से दूर ही जाएगा, क्योंकि क्या है 0 ग्रेटर इक्वल टू 4 है, तो इस तरह से मेरा, अब ये इक्वल है तो इसको टच करते हुए जाएगा। ठीक है, तो अगला इसमें हम एक बात बताते हैं, जैसे हम इस साइड वाला जितना भी हम वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो 4 से बड़ा वाला वैल्यू है जितना भी लेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू हम 5 लेते हैं, ठीक है, वाई का भी वैल्यू 5, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा 10, 5 जोड़ 5 ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, क्या 10 ग्रेटर इक्वल टू 4 होता है? नहीं, इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन 10 ग्रेटर जरूर होता है 4 से। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो 12 बोर्ड में पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें मिनिमाइज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मिनिमाइज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमको मिनिमाइज पूछ रहा है, हम मैक्सिमाइज भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या दिया है एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें क्या दिया है, मिनिमाइज दे चुका है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मेन हमको इसका ग्राफ हमको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, मेन इसका हम लोग को देखना है, जो सब्जेक्ट में हमारा दिया हुआ है उसी के बारे में हमको सोचना है। ठीक है, तो जैसे हम देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर देंगे। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट 8 हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट 4 होगा, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए, एक्स इंटरसेप्ट 4, वाई इंटरसेप्ट 6, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे पहले ये ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले तो ये बता दीजिए कि इसमें ओरिजिन जैसे रखेंगे, तो ओरिजिन जैसे रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 हो जाए, क्या ये इनइक्वालिटी सही है या नहीं? तो हाँ, ये एकदम करेक्ट है। क्या 0 छोटा होता है 8 से? हाँ, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ इसका ओरिजिन की ओर आएगा। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, ये इसमें 0 रखेंगे तो 0
जैसे रखेंगे 0 <= 12 आएगा। क्या ये सही है? हाँ ये मेरा करेक्ट है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट है इनइक्वालिटी। जैसे 0 <= 12, ठीक है, तो ये हमेशा, तो ये 0 <= 12 मेरा करेक्ट है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये किसका है? 4,8, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 8 है, और वाई इंटरसेप्ट 4। ये वाला इसका ग्राफ, ये क्या है, ओरिजिन की ओर जाएगा। इसका ग्राफ ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक है, ओरिजिन की ओर आएगा, ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक है। तो अब इसका जो भी ग्राफ होगा, क्योंकि ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ओरिजिन की ओर आएगा, ठीक है। लेकिन मेन हम लोग को क्या, वन रीजन मेरा क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि दोनों ओरिजिन की ओर आ रहा है, ठीक है, तो मेरा ये क्या होगा, सेडेड। तो मेन इसमें क्या पूछता है, ये दोनों पहले लाइन को कट किया है, दोनों लाइन तो एक दूसरे को कट किया है, तो इसका कुछ पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम दोनों पॉइंट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, और यही वाला यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा इंटरसेप्ट, जो जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये लाइन, उसका पॉइंट क्या हो गया, x, y जो हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर दें इसको सॉल्व करके, देख लीजिएगा। अब मेन क्या है, इसमें हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज पूछेगा। तो इस ग्राफ में देखिए, ओरिजिन ये है, ठीक है, ओरिजिन ये 4 पॉइंट हमको दिया हुआ है, जो कि ये ग्राफ बाउंडेड है 4 पॉइंट से। तो इस चारों पॉइंट को हम रखेंगे इसमें, कहाँ रखेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में रखेंगे, मिनिमाइज में। तो ये जो इसमें जो भी वैल्यू देगा, वही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू दे, चारों पॉइंट को हम रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे मिनिमाइज है, कहाँ पे मैक्सिमाइज है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे पॉइंट हम 0,0 ले लिए हैं, एक क्या है मेरा 4,0 है, एक 2,3, एक क्या है 0,4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चारों पॉइंट को रख लेंगे, ठीक है। तो अगर 0,0 रखेंगे तो मेरा 0 आएगा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए हैं, जो जितना पॉइंट है बाउंडेड में, ठीक है, ये टोटल पॉइंट ले लिए 4 पॉइंट, और इसमें मिनिमाइज में हमको पुट कर देना है। तो मिनिमाइज में हम पुट कैसे करेंगे, जैसे 0,0 रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, 0,0 जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा जेड का वैल्यू, और 4,0 रखेंगे जेड में तो क्या आएगा, -12 आएगा, और 2,3 जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × 2 + 4 × 3, मेरा सॉल्व करके 6 आ जाएगा, ठीक है। 0,4 रखेंगे तो क्या आएगा, मेरा 16 आएगा। तो यहाँ पे मिनिमाइज क्या होगा, मिनिमाइज वैल्यू जो होगा, मिनिमाइज तो मेरा -12 दे रहा है, ठीक है, कहाँ पे, 4,0 पे क्या दे रहा है, मेरा मिनिमाइज दे रहा है। अगर मैक्सिमाइज पूछता तो हम लोग क्या बोलते हैं, z = 16 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। हमारा मैक्सिमाइज z = 16 पे देगा, @0,4 पे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।